चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन है वो क्या है अकॉर्डिंग टू द शेप और शेप एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसका हम लोग शेप देखते हैं, ठीक है। तो दो टाइप का इसमें है, एक है नाइफ एज फॉलोवर, दूसरा है आपका रोलर फॉलोवर, क्लियर है। दो टाइप के यहाँ पे देखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दो टाइप का होता है इसमें, क्लियर है। तो देखो नाइफ एज कहने का मतलब क्या है कि ये एक बिल्कुल कैसा है, एकदम शार्प रहता है, ठीक है, और शार्प यहाँ पे पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है। तो देखो अगर ये शार्प है बिल्कुल इस तरीके का है, यहाँ पे देखो शार्प है, अगर इसका मूवमेंट होगा यहाँ से ऐसे, देखो इसका मोशन क्या होगा, इस तरीके का मोशन होगा, और जो आपका फॉलोवर है उसका मोशन कैसा होगा, रेसिप्रोकेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट, क्लियर है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकेशन, यहाँ पे कैसा होगा सर्कुलर मोशन, ये है आपका कैम, ये है आपका फॉलोवर, क्लियर, ये दोनों पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देखो कि जैसे ही इसका मूवमेंट होगा, अगर यहाँ पे पॉइंट कॉन्टेक्ट है तो क्या होगा, एक समय के बाद अगर मान लो इसका हाई स्पीड कर दिया जाए तो ये जो पॉइंट होगा इस पे जैसे ही कॉन्टेक्ट होगा तो इसके ऊपर का जो सरफेस का मटेरियल है उसको क्या करेगा, ये कट करने लगेगा, ठीक है। और कट करने के बाद यहाँ पे बहुत ही वियर एंड टीयर होगा, वियर एंड टीयर कहने का मतलब है कि वहाँ से मटेरियल कुछ ना कुछ टूट के क्या करेगा, नीचे गिरेगा, क्लियर है। तो इसीलिए इस फॉलोवर कैम एंड फॉलोवर का कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि ये वाला चीज़ ना है, इसीलिए हम लोग इसको हाई स्पीड इंजन पे यूज नहीं करते हैं, क्लियर है। जहाँ पे बिल्कुल स्लो होगा मोशन कैम का वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे मैनुअल को यूज कर रहे हो आप वहाँ पे इस टाइप के कैम एंड फॉलोअर को यूज करते हैं। और यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन देते हैं ताकि इनके और इनके बीच में वियर एंड टीयर और फ्रिक्शन बोल सकते हो वो कम हो, क्लियर है। फ्रिक्शन के कारण मटेरियल रिमूव हो सकता है यहाँ से क्योंकि ये बिल्कुल शार्प रहता है। चलो अब देखो यहाँ पे इसमें नाइफ एज फॉलोअर के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो क्या है, नाइफ एज फॉलोअर हैज शार्प एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, देखियो ये क्या है, शार्प एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है इस पॉइंट पे, क्लियर। इट यूज ओनली फॉर स्लो ऑपरेशन, ये किसके लिए यूज होगा, ओनली फॉर स्लो ऑपरेशन के लिए। नाइफ एज किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, स्लो ऑपरेशन के लिए। आगे देखिए, दे आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, ये क्या है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान है। इट इन दिस टाइप ऑफ फॉलोवर मोर वियर एंड टीयर टेक्स प्लेस, ठीक है ना, ज़्यादा क्या होता है इसके अंदर फ्रिक्शन होता है और वियर एंड टीयर होने के कारण मटेरियल भी क्या होता है वहाँ से रिमूव हो सकता है, क्लियर। आगे देखिए, इट इज़ मोस्टली यूज इन पेपर कटिंग, कहाँ यूज होता है आपका, पेपर कटिंग मशीन में इसको हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे इस टाइप के नाइफ एज फॉलोवर को। बट नॉट यूज इन आईसी इंजन, क्यों नहीं आईसी इंजन में यूज करेंगे, क्योंकि आईसी इंजन का जो स्पीड रहता है वो क्या रहता है, हाई स्पीड रहता है, क्लियर है। तो ये है आपका नाइफ एज फॉलोवर, समझ लिए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फॉलोवर जो कि क्या है, रोलर फॉलोवर। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट है रोलर फॉलोवर और फ्लैट एंड मशरूम फॉलोवर, ठीक है। देखो इसमें आप लोग चार पांच देखेंगे, वो जगह कम था इसलिए हमने वो दो ही लिख पाया था, ठीक है, रोलर फॉलोवर नाइफ एज फॉलोवर, ठीक है। तो और भी इसमें दो और आने वाले हैं, क्लियर है। तो देखो बी और क्या है आपका, रोलर फॉलोवर, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये रोलर होगा, रोलर कहने का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल इसके ऊपर सरफेस होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ये फ्लैट होगा, कहने का मतलब ऐसे फ्लैट होगा और इसी के ऊपर क्या होगा, जो इसका सरफेस कॉन्टेक्ट होगा ये पूरा कॉन्टेक्ट होगा, क्लियर है ना। जो इसके ऊपर आएगा वो इसके ऊपर जैसे रोड होता है, जैसे रोड के ऊपर ऐसे देखो, ये मान लो आपका कैम है, कैम के ऊपर ऐसे फॉलो करेगा, ठीक है ना, फॉलोवर, क्लियर है। ये देखो ये मान लो फॉलोवर है तो बिल्कुल ऐसे फॉलो करेगा, क्लियर। तो बिल्कुल सरफेस कॉन्टेक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये क्या है, दिस टाइप ऑफ फॉलोवर लेस वियर एंड, अब देखो सरफेस कॉन्टेक्ट होने का मतलब क्या है कि ध्यान देख लो, ये अगर फ्लैट सरफेस है अगर इसके ऊपर रखोगे तो ये लाइन ही कॉन्टेक्ट होता है, क्लियर है ना, लाइन कॉन्टेक्ट यानी कि हायर पेयर पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट। चलिए ये मत कन्फ्यूजन रहना कि सरफेस कॉन्टेक्ट है तो वो लोअर पेयर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे होगा कैसा कॉन्टेक्ट, पॉइंट कॉन्टेक्ट ही होगा। देखिए आगे देखिए, इन दिस टाइप ऑफ फॉलोवर लेस वियर एंड टीयर टेक्स प्लेस, यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये कैसा फ्लैट है तो यहाँ पे जो टच होगा इनका वो सरफेस होगा और सरफेस टाइप में ज़्यादा वियरिंग नहीं हो पाता है, ठीक है ना, सर्कुलर होगा। चलिए, इट कैन ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड, इसको हम वेरी हाई स्पीड पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप वेरी हाई स्पीड पे भी क्या कर सकते हो,
ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको आईसी इंजन में यूज कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वाइड एप्लीकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन, ठीक है। जो आपका रोलर फॉलोवर होता है आप उसको एयरक्राफ्ट इंजन में भी यूज करते हैं, क्लियर है, एयरक्राफ्ट इंजन में भी, ठीक है। तो ये हाई स्पीड के लिए यूज होता है रोलर, जो नाइफ एज था वो स्लो स्पीड के लिए यूज होता था, मोस्टली किसके लिए, पेपर कटिंग के लिए। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्लैट एंड मशरूम टाइप। देखो फ्लैट कहने का मतलब जो फॉलोवर होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा, ठीक है, और मशरूम थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे सर्कुलर टाइप होगा, ठीक है, कैसा होगा, सर्कुलर टाइप, इसको मशरूम बोलते हैं इस केस में। और यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लैट बिल्कुल होगा, क्लियर है। तो इसके मूवमेंट से क्या होगा, ये रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है। इसका मूवमेंट ऐसे, इसका मोशन भी इस तरीके से, इसका मोशन भी इस तरीके से, क्लियर है ना, ठीक है, यहाँ तक। इसको हम लोग फ्लैट, इसको मशरूम बोलते हैं। देखो दिस टाइप ऑफ फॉलोवर इज कॉन्टैक्टिंग सरफेस इज फ्लैट, दोनों का सरफेस कैसा होगा, फ्लैट ही रहता है। ये बिल्कुल सर्कुलर टाइप होगा ऐसे गोल, लेकिन जो नीचे वाला कैसा होगा वो फ्लैट ही कॉन्टैक्ट होगा, क्लियर। आगे देखिए इट इज़ यूज व्हेन द शेप इज लिमिटेड, अगर आपके पास शेप यानी कॉम्पैक्ट शेप है, जगह जहाँ पे जगह कम है वहाँ पे आप इस तरीके के कैम एंड फ्लावर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दे आर एबल टू रजिस्ट मोर साइड थ्रस्ट, देखो साइड थ्रस्ट कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे इस पर कभी एक ही बार हाई स्पीड आ गया, ठीक है ना, हाई स्पीड होगा तो देखो ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, एरिया कॉन्टैक्ट क्या है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये ज़्यादा थ्रस्ट को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। मतलब कि अगर देखो अगर मैं पॉइंट से ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ब्रेकेबल हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ तो ये क्या होगा, देखो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको अगर आप लोग जानते हैं मैकेनिक्स या सोम पढ़े हो तो वहाँ क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। देखो तो अगर आप एरिया बढ़ा दे रहे हो तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्लियर है, तो ये आप लोग जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये थ्रस्ट को क्या कर रहा है, वो बियर करता है, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे देख लो, दे आर एबल टू रजिस्ट साइड थ्रस्ट बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर, क्लियर है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, मोर होता है, ठीक है। देखो ये जो आपका स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, ये कहीं कहीं पे वैलिड भी नहीं है, ठीक है, वो कहाँ नहीं है, अगर आप एनालिसिस में जाओगे, हायर स्टडी में जाओगे तो आपको दिखेगा, शेप ऑप्टिमाइजेशन एक टॉपिक होता है, वहाँ पे ये कभी अलग दिखेगा, जब एरिया बढ़ा दोगे ना तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कभी कभी साथ में दिखेगा, घटा दोगे तो ये भी घट जाएगा, क्लियर है। तो जब आप शेप ऑप्टिमाइजेशन करते हो तब ये वैसा आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो यही आप लेके चलो अभी, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, रोलर फ्लावर और फ्लैट एंड मशरूम फ्लावर, ठीक है। तो देखो कॉन्टैक्ट में आपका दो और है, वो स्पेस कम होने के कारण हमने नहीं लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी देख लेते हैं क्या क्या है। देखो ये क्या है आपका रोलर फ्लावर, रोलर में क्या होगा, जो वो कॉन्टैक्टिंग सरफेस होगा वो ज़्यादा होता है, रोलर में क्या होता है, जो देखो ये रोलर कहने का मतलब ये कुछ सर्कुलर टाइप होगा, ठीक है, ये सर्कुलर टाइप होगा, तो इस पर क्या होगा, इस पर भी क्या होगा, एक सर्कुलर है, तो ये मान लो ऐसे इस तरीके से, क्लियर है, तो इसका मोशन ऐसे होगा तो ये देखो ऐसा ही होगा, क्लियर है। तो ये क्या है आपका सरफेस कॉन्टैक्ट, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे बढ़ जाता है, और लेकिन कॉन्टैक्ट कैसा होगा, ये लाइन कॉन्टैक्ट ही होगा, कॉन्टैक्ट कैसा हो रहा है, लाइन कॉन्टैक्ट ही हो रहा है, तो ये हायर पेयर ही है। देखो यहाँ पे क्या है, रोलर फॉलोवर गाइड है और ये कैम है, तो कैम का रोटेशन किस तरीके से होता है, इस तरीके से, और इसका मोशन कैसे होगा, रेसिप्रोकेशन। देखिए दिस टाइप ऑफ फॉलोवर लेस वियर एंटीयर टेक्स प्लेस, यहाँ पे जो वियर एंटीयर होगा वो कम होगा, नाइफ एज में क्या था, ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट कॉन्टेक्ट था और बिल्कुल शार्प एज होता था, क्लियर। देखो यहाँ पे इट कैन ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड, इसको आप हाई स्पीड पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आईसी इंजन में यूज़ कर सकते हो, एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं इसको। इट हैज़ वाइड एप्लीकेशन इन एयरक्राफ्ट इंजन, ठीक है ना, इसको आप एयरक्राफ्ट इंजन में भी यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका रोलर फ्लोवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी ऑप्शन तीसरा जो है वो क्या है आपका, फ्लैट एंड मशरूम टाइप। तो देखो ये क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, इस तरीके का रहेगा फ्लैट,
बिल्कुल फ्लैट सरफेस दिख रहा होगा आपको, ये क्या है फ्लैट सरफेस, और ये क्या है मशरूम टाइप। मशरूम कहने का मतलब है कि ये क्या होगा सर्कुलर टाइप होगा ऐसे, लेकिन जो कॉन्टैक्टिंग एरिया होगा वो बिल्कुल फ्लैट ही होगा, जो ये कॉन्टैक्ट एरिया होगा वो फ्लैट ही होगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं इसमें, दिस टाइप ऑफ फ्लावर द कॉन्टैक्टिंग सरफेस इज फ्लैट, इन दोनों में भी कॉन्टैक्टिंग सरफेस कैसा होगा फ्लैट ही होगा। दिस इज यूज्ड द स्पेस इज लिमिटेड, जहाँ पे आपका कॉम्पैक्ट शेप होगा कम जगह होगा वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं इन दोनों फॉलोवर को, क्लियर है। आगे देखिए, दे आर एबल टू रजिस्ट मोर साइड थ्रस्ट बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर। देखो जो साइड थ्रस्ट होता है, साइड थ्रस्ट देखो थ्रस्ट कहने का मतलब जो उसके अंदर झटके लग रहे हैं वो क्या होता है कम होता है, क्यों, क्योंकि देखो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है ज़्यादा है, और आप लोग पढ़े हो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा एफ घट जाएगा तो स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या होगा आपका, इस पे भी देख सकते हो वहाँ पे कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया तो आपका जो साइड थ्रस्ट होता है वो कम हो जाता है फ्लैट एंड मशरूम फॉलोअर में, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। चलिए इसमें आप देख लेते हैं शेप ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में लास्ट वन है जिसका नाम है आपका स्फेरिकल फॉलोअर, ठीक है, ये लास्ट है इस क्लासिफिकेशन में। तो देखो स्फेरिकल फॉलोवर में क्या होगा कि देखो ये क्या होगा, ये स्फीयर के फॉर्म में होगा, ठीक है, ये जो आपका फॉलोवर है ये है आपका कैम और ये है आपका जो फॉलोवर, ठीक है, ये किस फॉर्म में होगा स्फेरिकल में होगा। देखो स्फेरिकल होने के में क्या होगा कि इसका जब रोटेशन होगा, ठीक है, तो जब ये रोटेट करेगा तो ये तो मोशन वैसा ही होगा जैसे सारे फॉलोवर का भी हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा रेसिप्रोकेशन होगा, ठीक है, रेसिप्रोकेशन होगा, लेकिन यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बात किया जाए तो स्फीयर होने के कारण इसके अंदर जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, क्योंकि देखो अगर बात करें दोनों अगर आपका रोलंग हो जाए, दोनों स्फीयर के फॉर्म में हो जाए ऐसे, ये फॉलोवर हो गया ये कैम हो गया, तो इनके बीच में जब ये होगा मोशन होगा तो इनके बीच में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइन आ रहा है, ठीक है, कैसा आ रहा है लाइन आ रहा है, ये भी कैसा है हायर पेयर है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होने के कारण इनका जो सरफेस होगा वो भी बहुत स्मूथ हो जाता है, और ये जो फॉलोवर का और कैम का दोनों का सरफेस कैसा हो जाएगा बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, और स्मूथ होने के कारण इसके अंदर वियर एंड टीयर बहुत ही कम होगा और ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, नेग्लिजिबल तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर वियर एंड टीयर क्या होगा कम होगा, ठीक है, और कम होने के कारण इसका लाइफ क्या रहता है ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसके स्फेरिकल का। चलो देख लेते हैं, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लैट फेस फ्लावर, जैसे अभी देखिए फ्लैट और मशरूम टाइप, तो मशरूम आपको देखने में मशरूम नहीं था, वो क्या था आपको ऐसे सर्कुलर टाइप था, लेकिन जो फेस था उसका वो फ्लैट ही था, ठीक है, क्लियर। तो उसका नाम मशरूम है लेकिन मशरूम जैसा दिखता नहीं है। देखो इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लैट फेस फ्लावर, ये भी कैसा है मॉडिफिकेशन है फ्लैट फेस फ्लावर का। स्फेरिकल फेस फ्लावर इज प्रेफर्ड टू अ फ्लैट फेस, ठीक है, किसके लिए प्रेफर्ड होगा फ्लैट फेस के लिए, ठीक है, एज देयर इज लेस सरफेस स्ट्रेस, जो इनके बीच में सरफेस स्ट्रेस होगा, देखो जैसे देखो क्या होगा इसके ऊपर भी ऐसे लोड होगा, जब ये इसको अप्लाई करेगा तो यहाँ से भी कुछ ऐसे लोड लगेगा, फोर्स लगता है ना, इसका रिएक्शन भी इधर होता है, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो बहुत ही कम होगा उस क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ठीक है, तो लो देयर इज लेस सरफेस स्ट्रेस होगा और एंड वियर, जो भी उसके अंदर फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होने के कारण जो भी वियर होगा जिसको बोलते हैं रगड़ के उसको मटेरियल जो वहाँ से रिमूव होगा वो भी बहुत ही कम होगा, वियर इन द स्फेरिकल फॉलोवर, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर ले, ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, अब थर्ड वन क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि थर्ड क्लासिफिकेशन है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन द कैम शाफ्ट एक्सिस एंड फॉलोवर एक्सिस, ठीक है। तो इसमें दो आते हैं आपके, एक होता है आपका रेडियल फॉलोवर, दूसरा है आपका ऑफसेट फॉलोवर। तो रेडियल फॉलोवर क्या होता है कि देखिए कैम का और फॉलोवर का ये जो दोनों एक्सिस होगा, जैसे देखो कैम का एक्सिस कौन सा है ये वाला जो यहाँ से फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ से एक्सिस देखा जाए तो ये है, और फॉलोवर का भी एक्सिस यही है, ठीक है। तो ये दोनों जब कॉन्साइड कर जाते हैं, इसका फॉलोवर का और कैम का एक्सिस दोनों जो कॉन्साइड करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेडियल फॉलोवर। और ऑफसेट फॉलोवर में क्या होता है कि
कैम का जो एक्सिस होगा वो अलग होगा, ठीक है ना, कुछ ऑफसेट होगा, और यहाँ से जो फॉलोअर का एक्सिस है वो थोड़ा सम डिस्टेंस पे होगा, इधर अलग होगा, क्लियर है। तो इसीलिए इसको बोला गया है ऑफसेट फॉलोअर, क्लियर है। चलो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है इसका। इट इज़ द फॉलोअर सेंटर, देखो इफ़ द फॉलोअर सेंटर एंड कैम सेंटर आर पास ईच अदर, ठीक है ना। देखो तो इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है वो दोनों का एक्सिस क्या होता है, दोनों को पास करता है एक ही पॉइंट से, है ना, पासेस ईच अदर, क्लियर है, पासेस ईच अदर, ठीक है। देन इट इज़ नोन एज रेडियल फॉलोवर, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल फॉलोवर, ठीक है। ये किसका है, फॉलोवर एक्सिस और कैम एक्सिस का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट फॉलोवर। तो ऑफसेट फॉलोअर में क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कैम शाफ्ट एक्सिस एंड फॉलोअर एक्सिस, देखो कैम शाफ्ट एक्सिस एंड फॉलोअर एक्सिस आर नॉट पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से दोनों क्या होगा, पास नहीं करेगा, क्लियर है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट। तो क्या होगा, देयर इज अ सम डिस्टेंस बिटवीन देम, देन इट इज़ नोन एज ऑफसेट फॉलोवर, इनके बीच में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस होगा। देखो यहाँ से ये देखो, ये अलग एक्सिस है, ये अलग एक्सिस है, है ना, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, क्लियर है। तो इस टाइप के फॉलोवर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफसेट फॉलोवर, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लो।